टाइम्स मीडिया। पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली आहार स्पिरुलिना मानव जाति के लिए प्रकृति का बेहतरीन उपहार है। इसमें एंटीबायोटिक तत्व होने से यह मधुमेह, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि को समाप्त करती है। इसमें बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा होने से यह रतौंधी और आंखों की अन्य समस्याओं को दूर करती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व होने से यह रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाती है। एस्प्योर पावर दिव्य टी, आसाम ग्रेस टी, 20% एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। दिव्य टी, आसाम ग्रेस टी। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल चेन प्रेजेंट सैमफोर्ड स्कूल, जगनपुरा रोड, पटना। एडमिशन ओपन फॉर प्री नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12th। Best school for the best education and in Patna with facilities like smart classes, science lab, computer lab, rich library and big playground. For more details, contact 9534098666. श्री परम ज्योति भगवती भगवान पवित्र आरोग्य मुक्ति वरदान की इस 64,000 पूर्णिमा दीक्षा की विशेष प्रक्रिया में मैं आद्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी को नमस्ते। पिछले 3 दिनों से एक सुंदर सी यात्रा आंतरिक दुनिया में चल रही है। कई सारे लोगों की तरफ से इस विषय में हमें बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ लोगों ने अपने अनुभव भी बताए कि कैसे वो महसूस कर रहे हैं जब इस प्रक्रिया में वो भाग ले रहे हैं। ये प्रक्रिया पिछले कई महीनों से चल रही है और जिन जिन लोगों ने इस प्रक्रिया का अनुभव किया है, भाग लिया है, इससे चमत्कार पाया है, आज उनके अनुभव बताते हुए इस प्रक्रिया को हम शुरू करते हैं। उसके पहले परम ज्योति के नाम स्मरण करके उनके उस दिव्य चैतन्य को आवाहन करेंगे। अपने दोनों हाथों को हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। जय बोलो भगवती भगवान की जय। आरोग्य वरदान प्रदाता, मुक्ति प्रदाता परम ज्योति श्री भगवती भगवान की जय। कर्नाटक में एक महिला भक्त हैं। कुछ दिनों से इनके हाथों में, कांधे में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो जब ये प्रक्रिया फोन कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनके क्षेत्र के दासा जी करवा रही थी, तो एक सत्संग सेंटर में ये महिला जाते हैं और उस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। प्रक्रिया जब चल रही है, चिंतन मनन के वक्त में ये आंख बंद करके अपने भीतर जो जो भी बताया जा रहा है उन विषयों पर चिंतन कर रहे हैं। चिंतन के पश्चात वो शवासन में लेट जाती हैं और शवासन में लेटने के बाद अचानक उनको जोर से कुछ हाथ में चुभने जैसे लगता है। उनको लगता है शायद कोई चींटी होगी जो काट ली है या मच्छर ने काट लिया है, तो अपने हाथ से ही ऐसे ऐसे करके अपने आप को उस दर्द को हटाने का प्रयास करती हैं, सहलाती हैं। थोड़ी देर के बाद फिर एक बार चुभने का अनुभव होता है। बड़ी परेशान हो जाती हैं कि क्या यहाँ पर इतनी सारी चींटियाँ हैं जो मुझे ही परेशान कर रही है, शांति से मैं प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रही हूँ। ऐसे स्थिति में प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब वो उठ के बैठती हैं
आँख खोलती हैं, परमज्योति का आशीर्वाद लेती हैं, तब वो देखती हैं उसका मन एकदम शांत हो गया है। तब उसे अचानक याद आता है, कहाँ मेरे हाथों में कुछ काट दिया था। जब हाथ की तरफ देखती हैं तो वहाँ पर दो इंजेक्शन के निशान हैं। इंजेक्शन लेने के बाद वो एक गुलाबी सा हल्का सा एक छोटा सा छेदा के जैसे एक निशान पड़ जाता है। वो निशान एक नहीं दो उनके शरीर में लगे हुए हैं। और तब उनको पता चलता है कि वाकई में किस प्रकार से परमज्योति इलाज करते हैं। कोई इंजेक्शन लेकर आया नहीं था, लेकिन इंजेक्शन लग चुका है और उनके भीतर जो चाहिए उनको इलाज हुआ है। ऐसे ही और एक परिवार है तमिलनाडु में, नेमम पुण्य क्षेत्र में प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आते हैं। नेमम पुण्य क्षेत्र ये वैदेश्वर आलय कहलाया जाता है, मोक्षपुरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर लोग अपने आरोग्य को पाने के लिए विशेष प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक परिवार जो है अपनी 15 साल की बेटी को लेकर आते हैं। अब ये जो बेटी है ये दिमाग से थोड़ा सा कुछ असर हुआ है, कुछ कमजोरी हुआ है उनके दिमाग में, जिसके वजह से कोई भी काम ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। कह सकते हैं कि एक प्रकार से पागलपन का दौरा हुआ है उनको। और इस हालत में वो माता पिता अपनी बच्ची को लाकर वहाँ बिठा देते हैं कि कुछ भी हो जाए हमारी बच्ची ठीक होना है। इस स्थिति में माता पिता स्वयं अपनी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उनके साथ उनके जीवन में जो जो उन्होंने किया उसके ऊपर वो चिंतन मनन करते हैं। और प्रक्रिया के वक्त उस बच्ची को क्या समझ में आ रहा है भगवान ही जाने। माता पिता को देखा देखी वो जैसे जैसे बताए जा रहे हैं माता पिता जो कर रहे हैं वो लड़की भी कर रही है। कभी कलश को छू रही है, कभी पादुकाओं को छू रही है, तो कभी अपने सर पे हाथ रख रही है, जो चल रहा है उसके साथ वो बह रही है। सब कुछ हो गया। 3 दिन वहां पर उन्होंने निवास किया, वहां जो भी मिला वो सेवा किया। उसका फलस्वरूप क्या है पता है? उस लड़की का पागलपन खत्म हो गया। जब वो अपने होश में एक सही मनस्थिति में वापस आती हैं, तब वो लड़की बस इतना ही कह रही है, एक बहुत बड़ा प्रकाश मेरे आंखों के सामने आया और मेरे मस्तिष्क में घुस गया, और उसके बाद से मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। एकदम आम बच्चों के जैसे वो लड़की भी बहुत ही अच्छे से स्वस्थ हो गई है और अपनी दिनचर्या को पूर्ण कर रही है अभी। तो इस प्रकार से वो परम ज्योति आपके भीतर इंजेक्शन देने के लिए आ सकते हैं, आपकी ब्रेन सर्जरी कर सकते हैं, आपको अच्छे से बॉडी मसाज कर सकते हैं, आपकी फिजियोथेरेपी हो सकती है, या फिर आपको एक्यूप्रेशर या फिर एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कई सारे लोगों ने तो जब इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है तब ये भी अनुभव किया है कि बिल्कुल हॉस्पिटल में जाने के बाद कैसे एक प्रकार का एक स्मेल रहता है, एक महक रहती है, उस प्रकार का वो पूरा माहौल और एक प्रकार का स्मेल प्रक्रिया के दरमियान उन्होंने महसूस किया है। एक लड़की परसों हमसे बता रही थी कि जैसे ही हमने परम ज्योति से आशीर्वाद मांगा, आरोग्य मुक्ति वरदान का फल हमें प्रदान कीजिए, मुझे आरोग्य दीजिए, तब वो बता रही थी कि ऐसे लगा जैसे किसी ने उनके नाक में ड्रॉपर से कुछ दवाई डाली हो और वो दवाई पूरा नाक से होकर के गले से उनके पेट में जा रही है। एक प्रकार का कड़वापन गले में महसूस होता है ना, टेस्ट आती है एक, तो उस प्रकार की टेस्ट को, कड़वेपन को अपने घर में बैठकर वो इसको अनुभव कर रही है। तो ये है परम ज्योति की इलाज करने की तरीका। ध्यान में रखिए, यहाँ पर हम आपको इलाज नहीं करने वाले हैं या बाहर से किसी डॉक्टर को हम बुलाने वाले नहीं हैं। स्वयं साक्षात वो परम ज्योति आपके ईश्वर के रूप में या फिर अम्मा भगवान के रूप में आपके समक्ष आकर आपका इलाज करने वाले हैं। इस प्रक्रिया को जैसे जैसे आप पिछले दिनों में 3 दिनों से अपने भीतर में चिंतन कर रहे हैं, अपने भीतर में उसको अच्छे से आप समझते हुए गहराई में जाकर अपने आप के सत्य को आप देख रहे हैं, ध्यान में रखिए ये प्रक्रिया तब से शुरू हुआ है और अब कल तक आगे बढ़ेगा। कल एक विशेष ऐसा समय रहेगा जब परम ज्योति चंद्रमा के उस रूप में आपको दीक्षा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। एक ऐसी शक्तिशाली दीक्षा जहां पर आपके इष्ट देवता की उस चंद्रमा में आप दर्शन कर सकते हैं, या फिर इस कार्य को, परम ज्योति के महाकार्य को करने वाले अवतार मूर्ति अम्मा भगवान की दिव्य मंगल दर्शन करते हुए चंद्रमा से स्वयं अम्मा भगवान आपको इस आरोग्य मुक्ति के वरदान को प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसा वो एक अद्भुत अनुग्रह अगर हमें पाना है तो हमें क्या करना है?
और एक बार अपने अंदर झांक के हमें देखना है कि हम कौन हैं। आइए इस विषय में आगे बढ़ने से पहले एक भक्त की अनुभव देखते हैं। नमस्ते, कल्कि शरणम। मेरा नाम चैताली है, मैं हटिया रांची से बोल रही हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक अनुभव बताना चाहती हूँ। ये मेरी बहन है, इसका नाम वर्षा है। जब ये 6 महीने की थी तब इसे एक बीमारी था। इसके जहाँ से यूरिन होता है वहीं से इसका पॉटी भी होता था। और जब हम लोग इसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन नहीं करने से इसका कोई इलाज नहीं है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इतनी छोटी सी बच्ची है, क्या ऑपरेशन करेंगे भगवान, अब आप ही इसी का कुछ कर सकते हो। फिर 29 तारीख को हमारे यहाँ प्रोग्राम था आरोग्य मुक्ति वरदान का, उस प्रोग्राम में इसकी मम्मी ने भाग लिया और इसके लिए भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मेरी बच्ची को स्वस्थ करना है और मेरी बच्ची को हेल्दी बनाना है। उसके बाद से, उस प्रोग्राम के बाद से जब वो जल इसको पिलाया गया उसके बाद से ये अब स्वस्थ है और हेल्दी है। फिर डॉक्टर ने भी कहा कि इसको अब उस चीज़ की ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अब स्वस्थ है और हेल्दी है। इसके लिए मैं परम ज्योति को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच भगवान, कोटि कोटि धन्यवाद अम्मा भगवान। जय बोलो भगवती भगवान की जय। ज्ञान प्रदाता, चमत्कार प्रदाता, अनुग्रह प्रदाता परम ज्योति श्री भगवती भगवान की जय हो। कितना सुंदर सुंदर अनुग्रह भक्तों के जीवन में घर बैठे भगवान दिए हैं। आज भगवान के पुण्य क्षेत्र में जाते हुए या अपने घर में कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जूम के द्वारा और इस प्रकार से टीवी पे कार्यक्रम देखते हुए कई सारे लोगों का भाग्य बदल रहा है। किसी को इस आरोग्य वरदान की प्रक्रिया के द्वारा, इस मुक्ति की साधना के द्वारा ऐश्वर्य भी मिल रहा है, तो किसी की बच्चे की शादी हो रही है, किसी का जॉब जो हो नहीं रहा था बस संकल्प लेने के पश्चात उनका जॉब भी हो रहा है। तो इस प्रकार की कई अलग अलग समस्याओं का निवारण उन सब के जीवन में होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, ये प्रक्रिया सिर्फ आरोग्य को नहीं, मुक्ति को नहीं, बल्कि हमारे सारी समस्याओं के निवारण के लिए हो रही है। जिस जिस प्रकार की समस्याओं से आप गुजर रहे हैं उन सारी समस्याओं का हल कहाँ है, यहाँ हमारे अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ही उस समस्या का समाधान है। और उस अंतरंग की गहराई में अब लेके जाएंगे आपको परम ज्योति। तो आज हमें देखना है अपने और एक आंतरिक भाव को। कई सारे लोगों को हम देखते हैं दौड़ दौड़ के जाते हैं और सामने वाले को मदद कर देते हैं, कई लोग बहुत ही प्यार से मुस्कुरा के बात करते हैं, कई लोग बहुत ही अधिकार के साथ बात करते हैं, कई लोग इस प्रकार से भी होते हैं जिनको किसी की फर्क ही नहीं है, किसी की चिंता ही नहीं, मुझे क्या करना है, इस प्रकार से उदंडता से भी वो व्यवहार करते हैं। माने जितने लोग हैं उतने तरीके हैं उनके जीवन में कार्य को करने का। आप कुछ भी कीजिए, बड़े प्यार से खाना बनाकर सुबह से शाम तक मेहनत करके अपने बच्चों को खिलाइए, परिवार को खिलाइए, इसके पीछे क्या है, क्या मिल रहा है आपको? सुबह से लेकर शाम तक ईमानदारी से पिछले 25 साल से आप कंपनी में या फिर सरकारी नौकरी में अपना योगदान दे रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, उस कंपनी के नाम को बढ़ाने के लिए आप जी जान लगा रहे हैं, उसके पीछे क्या मिल रहा है आपको? यही हमें आज के इस विषय में देखना है। अंधा व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, आप तुरंत दौड़ के जा रहे हैं और उसको मदद कर रहे हैं, आपको क्या मिलने वाला है वहां पे? कल हमने एक विषय को देखा, आज इस दूसरे विषय को हम देख रहे हैं, वो है हमारा स्वार्थ। कुछ भी कीजिए, मेरा बेटा डॉक्टर बनना है, ये एक भाव माता पिता के भीतर रहता है। किस लिए, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? बस एक ही है, मेरा स्वार्थ। अगर मेरा बेटा डॉक्टर बन जाता है तो उससे मुझे क्या मिल रहा है, मेरे बुढ़ापे का एक सुरक्षा, सिक्योरिटी और साथ ही साथ समाज में कीर्ति प्रतिष्ठा। कितनी अच्छी माँ है, देखो इसने इतना सहन किया लेकिन अपने बच्चे को तो डॉक्टर बना के ही रही है। कितनी अच्छी है, कितना समर्पण के साथ अपने बच्चों के लिए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। तो एक अच्छी माँ कहलाने के लिए, एक अच्छा पिता कहलाने के लिए हम जो कर रहे हैं हमारे ही स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर इस विषय की गहराई में आज आपको अपने आप में जाना है।
सुबह से लेकर शाम तक आप जो जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इस सारी एक्टिविटी के पीछे क्या कारण है? जो भी हम कर रहे हैं हमारे अपने लिए कर रहे हैं। कई बार हम लोग कहते हैं ना, कैसे लोग हैं ये, मैं इतना कर रहा हूं और किसी को मेरी कीमत ही नहीं है, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। किसके लिए आप कर रहे हैं? उनके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। इस चीज से आज तक हम कभी वाकिफ नहीं थे, इस चीज से कभी भी हम सचेत ही नहीं थे। आज इस चीज की गहराई में, इस विषय की गहराई में आपको जाना है। देखिए, चाहे आप कुछ भी करो, आप बस अपने आप के लिए जी रहे हैं। बच्चे जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए। क्या हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं? क्या इस समाज के लिए कर रहे हैं? क्या इस देश के लिए कर रहे हैं? नहीं, जो भी हम कमाएंगे खुद के लिए, जैसा भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, बस खुद के लिए। एक पत्नी चाहिए, एक बच्चा चाहिए, किसके लिए? खुद के लिए। जो भी आज तक हमने किया है, जन्म लेने से अब तक, वो सिर्फ हम अपने आप के लिए किए हैं। भगवान की हम भक्ति भी करते हैं तो किसके लिए? खुद के लिए। भगवान की सेवा कर रहे हैं, इस समाज की सेवा कर रहे हैं, वो भी अपने ही स्वार्थ के लिए। आंखें बंद कीजिए और अपनी अंतरात्मा में झांक के देखिए, क्या सच में आपने कभी निस्वार्थ भाव से कुछ किया है? नहीं। जो भी आज तक हमने किया है वो बस खुद के लिए किया है, अपने ही स्वार्थ के लिए किया है। आंखें बंद कीजिए और इस विषय पे चिंतन करेंगे। किसी से बात कर रहे हैं तो उसके पीछे मतलब है, किसी की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं तो उसके पीछे भी स्वार्थ है। किसी के कहने पर आप मदद करते हैं या बगैर कहे ही आप जाकर सामने से अपनी सेवा को देते हैं, उसके पीछे भी स्वार्थ है। चिंतन कीजिए।
यहाँ पर अम्मा भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप स्वार्थी नहीं होना है, निस्वार्थ जीवन को जीना है, ये सब इसके पीछे उद्देश्य नहीं है। बस देखिए कि मैं स्वार्थी हूँ। परम ज्योति से प्रार्थना कीजिए कि हमारे इस वास्तविकता से सामना करने की हमें शक्ति दीजिए भगवान, ताकि पूर्णिमा दीक्षा की वो शक्तिशाली आशीर्वाद हमारे भीतर एक चमत्कार को प्रदान कर सके। जहां हैं वहीं पर आप शवासन में लेट जाएंगे और परम ज्योति की नामस्मरण को अपने भीतर करते हुए उनके आशीर्वाद के लिए मनोकामना करेंगे। शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पर उठ के बैठेंगे और हृदय से परम ज्योति को, भगवती भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। जय बोलो परम ज्योति भगवती भगवान की जय हो। तो यहां पर आज जिस सत्य को आपने देखा है, ये आपका मन का कई सारा बोझ हल्का कर देगा। कैसे लग रहा है आपको? हल्का लग रहा है। एक अपनी ही सच्चाई से वाकिफ होने के बाद अंदर में खुशी और शांति महसूस हो रही है। कई दिनों से हम भ्रम में जी रहे थे कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं, लेकिन आज परम ज्योति हमें हमारे सत्य को दिखा रहे हैं, ताकि कल परम ज्योति की वो दिव्य आशीर्वाद को शक्तिशाली रूप में हमारे अणु अणु में हम उतार सकें और हमारे तन के, मन के, भावनाओं के इस रोग से मुक्ति प्राप्त करके दिव्य चैतन्य को हम अपने जीवन में हासिल कर सकें। इसी प्रतीक्षा में अब आपको रहना है सिर्फ और एक दिन के लिए। फिर मिलेंगे कल शाम को और परम ज्योति की इस पूर्णिमा दीक्षा का विशेष आशीर्वाद कल की प्रक्रिया में हम सब लोग मिलकर पाएंगे। अगर संभव हुआ तो अपने पूरे परिवार के साथ, इस तैयारी के साथ
परम ज्योति की इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपको उपस्थित होना है। यहाँ पर एक विशेष तैयारी आपको करना है, वो है एक लोटे में या फिर एक गिलास में शुद्ध जल को भर लेना है और उसके साथ साथ कोई भी फूल, गेंदा फूल है, गुलाब का फूल है, कोई भी एक या दो फूल रखना है। अगर आप ये कार्यक्रम अपने सत्संग सेंटर में कर रहे हैं या किसी मंदिर में अधिक संख्या में लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप अधिक लोटों को, गिलास को, ये तांबा, पीतल, मट्टी, किसी भी प्रकार का बर्तन हो सकता है जिसमें आपको जल को भर के रखना है और साथ ही साथ फूल को रखना है। जिस लोटे को या गिलास को आप रखेंगे उसके नीचे एक छोटी सी थाली रखिए, क्योंकि इस जल में एक शक्तिशाली दिव्य परम ज्योति का आवाहन होने जा रहा है ताकि वो परम ज्योति आपको उस दिव्य स्वरूप में आरोग्य के वरदान को प्रदान करें। साथ ही साथ कल हम और विशेष ऐसी 3 दीक्षाओं को प्राप्त करने वाले हैं ताकि अंतरंग में जो जो भी हैं उसकी शुद्धि होकर वो परम ज्योति हमारे भीतर विराजमान हो जाएं और रोग से निरोग तक हमें ले जाएं, अशांति से मुक्ति की उस शांत स्थिति में हमें ले जाएं। तो ऐसे एक अनोखी यात्रा के लिए अपने पूरे परिवार के साथ, मित्र परिवार के साथ इस पूर्णिमा दीक्षा की विशेष प्रक्रिया में कल आप भाग लेंगे। कल पूर्ण चंद्रमा का दिवस है और परम ज्योति की विशेष आशीर्वाद बरसने जा रही हैं। तो फिर मिलेंगे कल शाम को, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते। India's fastest growing school chain presents Samford School, Jaganpura Road, Patna. Admission open for pre-nursery to standard 12th. Best school for the best education and in Patna with facilities like smart classes, science lab, computer lab, rich library and big playground. For more details, contact 9534098666. पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली आहार स्पिरुलिना मानव जाति के लिए प्रकृति का बेहतरीन उपहार है। इसमें एंटीबायोटिक तत्व होने से यह मधुमेह, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि को समाप्त करती है। इसमें बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा होने से यह रतौंधी और आंखों की अन्य समस्याओं को दूर करती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व होने से यह रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाती है। एस्प्यूरो पावर दिव्य टी, आसाम ग्रेस टी, 20% एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। दिव्य टी, आसाम ग्रेस टी। द टाइम्स मीडिया।